थोड़ी बड़े चश्मे आ रहे हैं मेरे वाले पे। अच्छा सुना, आप सिडनी में बहुत एंजॉय कर रही, क्या लग रहा था वो कि आप कहाँ आ गई हैं? आपने बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने शहर में आ गई हूँ, है ना? कराची, यानी कराची के लोग मिल गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे। अच्छा आरएस इज लाइक कंटीन्यूअसली लाफिंग, अरे सब क्यों करके कर रहे हैं यार? ये क्या चाहते हैं जिंदगी में? नहीं वो ये कि आरएस से आए सलाम वालेकुम। यार मैं नहीं कर रहा लाइव, तो तुम अपना शुरू हो गया। अरे तुम सबके एक साथ आ रहे हैं ना, बहुत मजेदार है। अच्छा भाई ये अली भाई है, अली भाई पीछे वेव करें। अली भाई जो है वो सियालकोट से, अनिल अली भाई इज द स्वीटेस्ट पर्सन यू विल एवर मीट। अली भाई मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत स्वीट है अली भाई। पीछे ये जीशान भाई है, ठीक है, और ये अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान इज लाइक वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, वो जो मुझे पता क्यों बैठे हो चुप, क्योंकि उन्हें चुप की जगह लेग स्पेस मिली है। बचपन में डिग्गी में बिठा देते थे बच्चों को, बिठा दिया। चले बच्चा कह दिया। बट गाइस इट्स रियली नाइस बीइंग हियर। अभी भी अच्छा अ लॉट ऑफ पीपल, मैं ये इंक्लूड करूंगी कि इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन हम अभी ट्रैवल कर रहे थे, हर बंदा हमें इतना अच्छा फीडबैक दे रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मतलब सब मुझसे पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, अच्छा अब तुम्हारी शादी किससे होगी। मलिहा है ना हमारी जो डॉन, शी इज मैसेजिंग मी मलिहा, इवन राबिया मोगनी मुझे बोलती है, मुझे कहती है बताओ बताओ बताओ। अच्छा इवन यस, मैंने भी किसी को नहीं बताया। एंड इवन फॉर पहचान थैंक यू सो मच, एक बहुत ऐसा कैरेक्टर था जो कि थोड़ा सा बोरिंग सा कह सकते हैं उसको, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अभी इस स्टेज पे एक हीरोइन को नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना अच्छा मुझे फीडबैक आ रहा है पूरी दुनिया से, इतनी सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज करके कहा कि वी कैन रिलेट टू इट, थैंक यू सो मच। यस यस यस। एसन आपको कैसा लग रहा है? मुझे जो क्या सिडनी या हमारा प्ले मेरे हमने शेयर, इधर करें ना, ये मैं कहां हूं, अच्छा ये बताऊं वापस सीट का क्लोज अप आ रहा था मेरा, अब सही है। द थिंग ये वाले साइड जगह सही है, एंगल सही है, ओके यू आर शोइंग मी एंड आई एम शोइंग यू ऑन द। अच्छा द थिंग इज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्ले, यू नो हाउ अली फैजान इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, यू नो दैट ना, अली फैजान, अली इज अमेजिंग। मतलब आई टेल यू, जब मैं पहले दिन शूट करके आई थी मैं बहुत डरी हुई थी, दो तीन दिन आई रिमेम्बर, मुझे याद है, मैं दो तीन दिन बाद मैं आरएस से मैंने कहा ही इज अमेजिंग, ही इज ब्रिलियंट, ही इज, ही टेल्स यू कि अच्छा आपने इस तरीके से करना है कि ये काम ठीक है, लेकिन मैं एसन सिर्फ एक्टर नहीं है, एसन डायरेक्टर भी है। मैं एसन को प्लीज मुझे नहीं बताइएगा, और एसन को पता है कि एसन का एंगल कहाँ से कौन सा अच्छा आ रहा है। मतलब हम सर्दी में ठिठर रहे हैं, ठीक है, सर्दी और हम ठिठर रहे हैं सवाद के अंदर, एंड एसन इज लाइक यार मैं यूं करके चादर लूंगा ना, एंड यू लाइक क्योंकि यार वो बातें तो सही करता है यार, जो कि एक अच्छे इंसान को बातें करनी चाहिए। अच्छा आज शो कितने बजे ये बता दो, आज कितने बजे शो है हमारा? आज है हमारा शो सिडनी के अंदर शाम 6 बजे, इंशाल्लाह। आप 6 बजे आप पहुंच जाना, हमने 6 बजे बोला है ऑन एयर। दीदी हिबा बहुत पंक्चुअल है यार, हिबा पूरे 7 बजे पहुंचेगी मुझे मालूम है, आई नो 6 का मतलब होता है लोग 6 बजे आ जाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, मैं जब से आई हूँ मैं सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, और एसन जब से आए ना एसन 12 बजे उठ रहे हैं। बेचारे अली भाई कहते हैं, एसन ने मुझे कहा मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, 10 बजे अभी आ रहा है, और एसन आया है 11:38 पे, और मैंने कहा बातें कर ली सब हो गया, और मैंने कहा देखिए अब टाइम हो रहा है, मैंने कहा देखिए अब एसन जो है ना वो 11:40 पे आया है, मैंने कहा अब जो है ना मैं रात को 2 घंटे लेट आऊंगी क्योंकि वो 2 घंटे लेट आया। कहते नहीं नहीं जी 11:30 हो रहे। अली इज सो क्यूट, अली टेल्स मी देखिए 11:30 हो रहे, 2 घंटे तो लेट आया। मैंने कहा ठीक है, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद एक दिन दो दिन लगते हैं थोड़ा सेटल होने। लॉन्ग फ्लाइट एसन, लॉन्ग फ्लाइट पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स इन द फ्लाइट एंड देन व्हेन आई वोक अप तो मैंने सोचा 8 घंटे गुजर गए, ये नहीं ज़हन में था, वो स्क्रीन पे बोल रहे थे 6 घंटे और हैं अभी पहुंचने, मैंने कहा यार अब 6 घंटे जा रहे हैं, देख लेते हैं ऐसे। वेरी लॉन्ग फ्लाइट, ब्रेक नहीं हुई ना, जर्नी ब्रेक नहीं हुई, अगर ब्रेक हो जाए। अच्छा मुझे लगता है इस हिसाब से हमारी वाली ज्यादा अच्छी थी, हमारी फ्लाइट बीच में रुकी थी तो हमें अच्छा मिल गया। हाय एयरलाइन पे आए हो? हां दैट्स व्हाई यू गाइस केप
मैं तो एमिरेट्स में था तो फिर नहीं। अच्छा मैंने खुद ही वो वाली, मैंने इनको कहा था कि वो नहीं करनी क्योंकि मैंने कहा था कि ये वाली ब्रेक चाहिए। राइट, आप बीच में स्टॉप करते हुए आते हैं ना, आपको पता है तो ज्यादा हां आप निकल जाते हैं जहां से। बट एनी हाउ सो क्विकेस्ट रूट भाई का क्विकेस्ट एज ऑलवेज आरएस इज हमारी बात का जवाब नहीं दे रही। आई एम सो सॉरी आपकी बात का जवाब नहीं दे रही। अब मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। मुझे जरा सेंडिंग लव, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सिडनी टू पाकिस्तान। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, वेट करता हूँ आपके एपिसोड का। थैंक यू। शहजाद शेख कहाँ है? शहजाद शेख जी मुझे नहीं पता शहजाद शेख कहाँ है। माय मदर साइड इज पश्तो फैमिली एंड माय कजिन्स आर फ्रॉम क्वेटा बट आई एम इन यूके एंड रिकॉल माय मेमोरीज। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू कुकी, थैंक यू भाई। उन्होंने कहा जवाब दो, मेरी ऑडियंस से मैं क्यों जवाब नहीं दूंगी। ठीक है जवाब, मुझे तो लव यू टू। नहीं नहीं मैं देख रही हूँ हिबा मैम ज्वाइन मी। ओके लव यू, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, आप सबकी इतनी सारी दुआओं का बहुत सारा शुक्रिया क्योंकि व्हाट वी नीड इज आपका प्यार, आपकी दुआएं। प्लीज से इंडिया ऑल्सो जी, इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए भी बहुत सारा प्यार। हम अभी ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया वाले लोग कहते हैं कि जी हमारे ड्रामे देखते हैं और वो हमारे ड्रामे देखते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। आई लव यू हिबा, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस इन एडवांस जी। बिल्कुल आई एम कमिंग टू सी यू टुनाइट, वी विल सी यू टुनाइट और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लव यू हिबा आप भी, थैंक यू सो मच, लव यू फ्रॉम इंडिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये लोग बोले जा रहे हैं तो लव यू ऑल ड्रामाज, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूएई हिबा भी, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट अबाउट अफगानिस्तान जी? अफगानिस्तान के लिए भी बहुत सारा प्यार, पूरी दुनिया के लिए बहुत सारा प्यार। अच्छा आई वाज अ लिटिल कंसर्न। लव फ्रॉम सियालकोट, थैंक यू जी। अली भाई भी सियालकोट से हैं? अली भाई पीछे, ये जीशान भाई भी सियालकोट से, ठीक है। तो हमारे पास मिनी सियालकोट भी है तो अनमोल आपका नाम भी हो गया। अच्छा आई विल बी साइनिंग ऑफ छोटी सी एक बात के ऊपर बिकॉज आई वाज वेरी कंसर्न कि कराची के अंदर बहुत सारी बारिश हो रही है। बेशक हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है और उसी को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट आई वुड से, एंड आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस चीज़ को, मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स एन ऑनर फॉर अस ऑफ कोर्स। ऑनर तो है बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि आप एक जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री को। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग कराची के अंदर हैं, जो जिस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, हालात थोड़े से ख़राब से हैं, आई स्टिल फील फॉर देम। और हमारी गाड़ियाँ वहीं हैं जो डूब रही हैं, लेकिन क्या बाईपास करके आई हो गाड़ी बाहर भी नीचे, लेकिन नीचे ही है ना। हाँ यार वो बहुत, कल तो बहुत बारिश हुई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बस दुआएं बहुत सारी है हमारे लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं। मैं भी जिस दिन आया हूँ तब बहुत बारिश हो रही थी बट लकीली एयरपोर्ट का रास्ता क्लियर था कराची में। बट आई होप द बेस्ट, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो फिर अपनी मुल्क के लिए और दुआएं करते हैं, इसलिए कि जब कुछ अच्छा देखते हैं तो हमारा ये दिल करता है कि पाकिस्तान में भी ये सब। एग्जैक्टली आरएस मुझे यूजुअली यही कह रहे थे, हम कहीं भी जाते हैं तो ये लाइक, मतलब हमारे पास इस तरीके से स्पोर्ट्स के और मौके होने चाहिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो एक्सपोजर हमारे पास होना चाहिए। हम लोग इन सारे सर्कमस्टांसेस में भी माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर अमेजिंग। तो अगर हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं तो क्यों नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हम लोग तो कोशिश करते हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और दूसरा एक चीज और, इसको एक चीज लोगों ने गेस कर रही है कि तरह से ही खजस्ता मिल जाएगी, पहले बोल के दिखाएं। वैसे दरख्ज़ाई को खजस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो बताओ मेरे को बताओ मैं सही है। तो विजिट अमेरिका ब्रुकलिन इंशाल्लाह, न्यूजीलैंड आएंगी, न्यूजीलैंड इस बार नहीं आएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। आरिस थैंक यू सो मच, आरिस इज लाइक ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएं, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आप सबने कहा था लाइव आएगा, वी हियर लाइव एंड वी विल बी सीइंग यू सून इंशाल्लाह। एक जरूर और लाइव कर, वो पाकिस्तान में आपने देखा है।